हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथी, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल गुरुकुल में। अब की बार रेलवे पार रेलवे NTPC की क्लास नंबर 9 लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलते हैं साथियों आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि तो साथियों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होते हैं। जो मोटर वाहन में कांच लगा होता है, वो जो पीछे देखने के लिए हमको कांच वो लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वह कौन सा दृश्य देखने वाला दर्पण होता है? आपके ऑप्शन है डी अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण तथा डी अवतल दर्पण। तो साथियों बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा साथियों वो होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा साथियों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर होगा साथियों क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा आंसर? उत्तल दर्पण। आपको पता है उत्तल दर्पण होता क्या है साथियों? उत्तल दर्पण होता है कन्वेक्स मिरर, मतलब कार व बस आदि के पीछे का दृश्य देखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग सीधा प्रतिबिंब, क्या? सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? जो प्रकाश वर्ष होता है वह किससे मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश की तीव्रता, बी द्रव्यमान, सी समय तथा डी खगोलीय दूरी। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? डी खगोली दूरी। क्या होगा साथियों? खगोली दूरी, खगोली दूरी से प्रकाश वर्ष मापा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है साथियों कि किसी पदार्थ का वह केंद्र उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है दोलन केंद्र, आप बी निलंबन केंद्र तथा सी द्रव्यमान केंद्र और ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व केंद्र। तो इसका आंसर आप बताएंगे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी गुरुत्व केंद्र। क्या होगा साथियों? गुरुत्व केंद्र। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 फॉरेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 98 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 68 सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी 66 सेल्सियस। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका जो आंसर होगा 98 फॉरेनहाइट कितना होगा साथियों? 98 फॉरेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? 98 फॉरेनहाइट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है साथियों कि क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि धारा की इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केल्विन और ऑप्शन नंबर बी एम्पियर तथा ऑप्शन नंबर सी ओम तथा ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, धारा की इकाई क्या होगा साथियों? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बी। क्या होगा साथियों? बी एम्पियर। एम्पियर जो है वह क्या है? धारा की इकाई है। तो साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो साथियों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है साथियों कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उतनी ही रहेगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी साथियों? बढ़ेगी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा कि हीलियम से भरा गुब्बारा जो हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, जो हमारा हीलियम से भरा गुब्बारा होता है वह वायु में क्यों उड़ने लगता है। तो आपके ऑप्शन है, वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, ऑप्शन नंबर बी है गुब्बारा भारहीन हो जाता है, एंड ऑप्शन नंबर सी हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, एंड ऑप्शन नंबर डी हीलियम गुब्बारे के नीचे वायु से वायु को हटा देता है। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों सही। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या होगा साथियों, सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है जिसके कारण कि हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है साथियों कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। कि क्या बोलता है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में क्या देखकर अंतर बता सकता है या क्या अंतर देखकर क्या जान सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लंबाई, ऑप्शन नंबर बी रंग, ऑप्शन नंबर सी लेंस का आकार, एंड ऑप्शन नंबर डी लेंस की लंबाई और आकार। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी लेंस की लंबाई और आकार को देखकर कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर बता सकता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि 9 नंबर कि यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुवीय भाग ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला है क्वेश्चन साथियों, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन है साथियों, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगी, एंड ऑप्शन नंबर डी यथावत रहेगी, मतलब कि सेम रहेगी। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी यथावत रहेगी। क्या रहेगी साथियों, यथावत रहेगी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है साथियों कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। आप मुझे बताएंगे कि चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वह कैसी होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्रव्य, ऑप्शन नंबर बी अवध्वनिक, और ऑप्शन नंबर सी अवश्रवरु, एंड ऑप्शन नंबर डी पराश्रव्य। आपकी चमगादड़ की ध्वनि कैसी होगी, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, पराश्रव्य। क्या होगा साथियों, पराश्रव्य। तो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो साथियों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। तो आप मुझे बताएंगे, आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, तथा ऑप्शन नंबर बी तापमान शून्य होने से बर्फ सा तैरता है, ऑप्शन नंबर सी शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो मुझे आप बताएंगे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो साथी सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक हो जाता है जिसके कारण क्या है, मृत शरीर क्या है पानी में तैरने लगता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या बोलता है साथियों कि ध्वनि का वेग किस में अधिकतम है। तो आप मुझे बताएंगे ध्वनि का वेग किस में अधिकतम है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पारा, तथा ऑप्शन डी लोहा। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा साथियों लोहा। लोहा क्या होता है, लोहा के ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है साथियों, अधिक होता है। तो
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, आवृत्ति की, कि ताप की। आपके ऑप्शन दिए ए दूरी, बी समय, सी आवृत्ति, तो डी ताप। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है साथियों, कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है। तो आपके ऑप्शन दिए साथियों, ए पवन की दिशा, बी पवन का वेग, सी दाब का प्रवणता, तथा डी पवन की गति और समय। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पवन का वेग। पवन का वेग से क्या एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला साथियों, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे, आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी डी फोकस लेंस एंड डी बेलनाकार लेंस। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। क्या होगा साथियों, अवतल लेंस। तो चलते साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है साथियों, कि कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है, कौन सा यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ट्रांसफार्मर, बी डायनोमो, सी दृष्टकारी एंड डी जनरेटर। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा दृष्टकारी। क्या होगा साथियों, दृष्टकारी जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो मतलब कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई जो है वह क्या है साथियों, जूल होती है। क्या होती है साथियों, जूल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी काला, तथा डी पीला। तो इसका आंसर बताएंगे आप मुझे, तो इसका आंसर बताएंगे साथियों, इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक। क्या होगा साथियों, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोले साथियों, कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा जो होती है हम वह किस इकाई में माप सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए केल्विन, बी जूल, सी कैलोरी, तथा डी अर्ग। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वह साथी होगा जूल। क्या होगा साथियों, जूल। खाद्य ऊर्जा को हम किस में किस इकाई द्वारा माप सकते हैं, जूल इकाई द्वारा माप सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोले साथियों, कि डेसिबल किस से मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए रक्त में हीमोग्लोबिन, बी वातावरण में ध्वनि, सी पेशाब में शक्कर, तथा डी वायु में जलवाष्प। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वह साथियों डी होगा। क्या होगा, डी होगा, वायु में जलवाष्प मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, नहीं है। तो आपके ऑप्शन है संवेग, विवेग, तथा सी कोणीय वेग, तथा डी द्रव्यमान। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा साथियों वह होगा संवेग। संवेग जो है साथियों वह एक सदिश राशि नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हमारी लेटेस्ट मतलब न्यू आए तो आपको पहले ही पता चल जाए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से
कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? आपके ऑप्शन है ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय तथा डी लंबाई। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। क्या होगा साथियों? समय। समय एक सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शून्य का स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का। शून्य में स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का गतिमान समान होता है, वेग समान होता है तथा ऑप्शन सी त्वरण समान होता है एंड ऑप्शन डी बल समान होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होता है साथियों? बल क्या होता है? समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु का बल समान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है साथियों? कि एक समान क्या बोल रहा है कि एक समान वृत्ति गति में क्या आपके ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ऑप्शन बी चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ऑप्शन सी चाल चर और वेग अचर रहते हैं तथा ऑप्शन डी चाल अचर और वेग क्या होते हैं? चर होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, चाल और वेग दोनों क्या होते हैं? चर होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं साथियों? कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण तथा डी बर्नौली प्रमेय। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है साथियों? कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा साथियों? डी बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय कारण कि रॉकेट ऊपर की तरफ का सिद्धांत का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान तथा डी घनत्व। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर साथियों वह क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या रहता है साथियों? की वस्तु की मात्रा के आधार पर अपरिवर्तित रहता है, बदलने में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कि जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? आपके ऑप्शन है प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम तथा ऑप्शन डी ये सभी। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ए। क्या होगा साथियों? ए प्रथम नियम। जल में तैरने से न्यूटन की गति का प्रथम नियम के कारण वह क्या होता है? संभव होता है। साथियों न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह क्या बोलता है साथियों? कि वह यह बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, क्या न्यूटन का प्रथम नियम, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह विरामावस्था या गति की अवस्था में जो ही रहेगी जब तक उसे कोई भी बल द्वारा क्या आरोपित न किया जा सके। क्या कहे? आरोपित न किया जा सके। इसका जो अनुप्रयोग होता है वह जैसे एथलीट ऊंचा कूदने से पहले ही कुछ दूरी से क्या होता है? दौड़ता है। और इसका दूसरा एग्जांपल है कि गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जब घोड़ा दौड़ता है साथियों वह अचानक क्या होता है? रुक जाता है। तो जो घुड़सवारी होता है वह क्या होता है? आगे की ओर क्या होता है साथियों? क्या होता है? गिर पड़ता है। जो जब घोड़ा दौड़ता है तो अचानक अगर रुकता है तो घुड़सवारी जो होता है वह आगे की तरफ क्या करता है साथियों? गिर पड़ता है। जब घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर देता है तो क्या होता है? घुड़सवारी क्या होता है? पीछे की ओर गिर पड़ता है। तो इसके यही एग्जांपल हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28।
तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला साथियों कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन है ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण का नियम एंड ऑप्शन डी गतिशीलता का नियम। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है साथियों, तो इस क्या कहलाता है कि इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा साथियों, बी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का गति का पहला नियम कहलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है साथियों कि डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, आपके ऑप्शन है ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में एंड ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा साथियों, सी। क्या होगा साथियों, सी ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में डायनमो क्या करता है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का लास्ट क्वेश्चन साथियों क्या बोल रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो आप मुझे बताएंगे साथियों इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में माइक्रोफोन क्या ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया साथियों वो एक बार लाइक कर देंगे तथा हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले ही पता चले जाए। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हमारा चैनल अब की बार रेलवे पार रेलवे NTPC की क्लास लेकर आया साथियों, क्लास नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।